हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में? एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहा है? आप में से बहुत सारे लोग एक्स का वेस्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग नेक्स्ट का वेट कर रहे होंगे, बट लेट्स सी। रीडिंग कलेक्टिव है, ठीक है, टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, बट जितना रेजोनेट होगा उतना रखना है आपने, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल एंड स्टे पॉजिटिव स्टे एक्टिव। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग ने मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है, हु इज़ कमिंग। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने फिक्स नहीं करना गाइस, ठीक है, इजीली जितना रिलेट करता है उतना रखना है, बाकी को आपने जाने देना है। सो फर्स्ट वी हैव रिग्रेट एंड मिस्टेक। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इसको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई मिस्टेक्स तो की हैं जिसका इनको पछतावा हो रहा है इस टाइम। एंड ऐसे लग रहा है ये जो भी पर्सन है इतनी ज़्यादा इनको पछतावा है अपनी गलतियों का, अपनी मिस्टेक्स का, कि ये आपको मुँह दिखाने के लायक भी नहीं है। वी हैव स्नेक, नॉट वट इट लुक्स लाइक। यस, मुझे लग रहा है कि इंसान के साथ आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट में टॉक्सिक था। एंड वी हैव थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। यस, ये थर्ड पार्टी है यहाँ पे गाइस आप लोगों के दरमियान। ये हो सकता है कि वो पर्सन हो जो आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से आपको इन्होंने धोखा दिया, और इनको सोच रहे थे कि ये थर्ड पार्टी को चूज़ करके ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा सुकून में रहेंगे, बट अभी इनकी सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि इन्होंने जैसा सोचा भी नहीं था, जैसा कभी इन्हें दिख भी नहीं रहा था कि थर्ड पार्टी में इनको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, या इनको कभी पछतावा भी होना पड़ेगा थर्ड पार्टी को चूज़ करके आपको छोड़ने के बाद। लेकिन अब हो रहा है वो सब चीज़ें, वो जो देख रहे हैं ना वो उनसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि इनको चीज़ें पास्ट में जैसी दिख रही थी थर्ड पार्टी की तरफ से, वैसा लाइक इन्होंने उस सिचुएशन को देख के कभी भी नहीं लग रहा था कि ये आपको छोड़ के पछताएंगे भी। तो ऑब्वियसली दिस इज़ द पर्सन जो कि आपका एक्स है, जिसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था आपको छोड़ के। यस, बट राइट नाउ उनको छोड़ने का आपको पछतावा हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुश नहीं है, इसका थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन जो है वो काफ़ी टॉक्सिक होता जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। स्नेक इज़ ऑल अबाउट धोखा, जेलसी, ये इसको मिल रहा है। वी हैव होल इनर ग्रोथ। ऐसा लग रहा है ये पर्सन को ना थर्ड पार्टी से मिलना इसी वजह से था, और आपसे सेपरेशन इसी वजह से होना था, क्योंकि इस पर्सन की ग्रोथ होनी थी। तो आपको छोड़ने के बाद थर्ड पार्टी को चूज़ करके इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। या ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। यस, अब इनकी इनकी ग्रोथ हो रही है, इनर ग्रोथ इस पर्सन की ऐसी हो गई है कि ये इंसान को ऐसे लग रहा है जैसे अब ये कंप्लीट हो गया है। एंड आप लोगों का भी इनसे इनसे ब्रेकअप होने के बाद आपकी भी ग्रोथ हुई है बहुत ज़्यादा, जहाँ से अब आपको लग रहा है जैसे इस इंसान की आपको कभी ज़रूरत थी नहीं अपनी लाइफ में, कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये पर्सन, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जितना आप लोगों ने इनको कंसीडर कर लिया था अपने लिए। एंड मे बी आप लोग इस टाइम हील हो चुके हो, कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर कैंडल हीलिंग कर रहे हो, आप लोग मेडिटेशन करते हो कैंडल्स के साथ, और ये इंसान का आपको मिलने का पर्पस भी आपकी ग्रोथ करवाना था, और इस टाइम ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा बैड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अपनी इनर ग्रोथ इनकी होनी ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग मुझे लग रहा है अभी इनर ग्रोथ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अभी उनकी ग्रोथ हुई नहीं है। यस, लेकिन इस इंसान को पछतावा बहुत है आपको छोड़ के जाने का, किसी और को चूज़ कर लेने का, ये गलती रियलाइज़ हो रही है इस पर्सन को, क्योंकि इसने सोचा नहीं था सब चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। वी हैव एक्स लवर, लवर ओल्ड स्पार्क। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो कि आपका एक्स लवर है। अब उसको आप में स्पार्क नज़र आ रहा है, पहले इस इंसान को आप में स्पार्क नज़र नहीं आ रहा था, थर्ड पार्टी में आ रहा था। वो कहते हैं ना जो दूर चीज़ होती है ना आपको वही अट्रैक्ट करती है, कदर दो बार ही होती है, एक किसी चीज़ को मिलने से पहले, किसी चीज़ को आप चाहते हो उसे मिलने से पहले चीज़ वो आपको मिली नहीं है, उसके बाद आपको उस चीज़ को खो देने के बाद। तो वही सिचुएशन हो रही है इस इंसान के साथ, थर्ड पार्टी जब इसके पास नहीं थी इसको थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा स्पार्क नज़र आ रहा था और आपको छोड़ दिया। अब आप में स्पार्क नज़र आ रहा है आपको छोड़ के, उसमें स्पार्क नज़र नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली ये आपका एक्स लवर है।
जिसको अब आप में स्पार्क दिख रहा है, उसको लग रहा है कि स्पार्क आप में ही था, आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो इट्स अ रोज, जैसे इट्स अ टू हैंड्स, एक मेल का एक फीमेल का, ये आपको रोज़ डेफिनेटली, ये स्पेशली इफ़ दिस पर्सन इज़ अ मेल, जिसके साथ जो आपको छोड़ के गया, आपका एक्स है, मेल है, तो ये वापस आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी फीमेल है तो नहीं आ रही, बट मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, बट स्पेशली इफ़ दिस पर्सन इज़ अ मेल, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, क्योंकि ये पछतावे में है बहुत ज़्यादा। ये आपको दोबारा प्रपोज करना चाहते हैं, दोबारा आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है ये इंसान, बट अभी प्रोसेस चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि हो गई है, प्रोसेस चल रहा है जहाँ से इनको रियलाइजेशन हो रही है आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपने अपनी मेडिटेशन करके अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया, दैट्स वाई। यस, ये पर्सन आपका फ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको लगता है आपके साथ अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी है। यस, अभी आपकी चीज़ें जो हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं अनरिजोल्व्ड हैं, जो कि अभी रिजोल्व होनी काफ़ी बाकी हैं। समथिंग इज़ ऑब्वियसली अनफिनिश्ड आपके और इनके दरमियान, जिसको ये दोबारा से आप में स्पार्क दिख रहा है और वापस आना चाहते हैं, जो अधूरा छोड़ गए थे उसको कंप्लीट करने के लिए आपकी तरफ। बट ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है कुछ लोगों का, डेफिनेटली जो आपके फ्रेंड जोन में था ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ अभी रिलेशनशिप वाला कनेक्शन बनाना बाकी रह गया था, तो वो रिलेशनशिप का कनेक्शन रखने के लिए आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा है आपके जाने के बाद। होपफुली आप लोगों ने इनको एक्सप्रेस किया है अपना लव, लेकिन आई थिंक ये पर्सन उस टाइम सीरियस नहीं थे, या ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ्रेंड जोन रखना चाहते थे। आप में से बहुत से लोगों ने हो सकता है इनको ये भी कहा हो कि आप फ्रेंडशिप रख लो इनके साथ, ये पर्सन आपको छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन आपने कहा एज अ फ्रेंड ही आपको रख लेंगे अपने साथ, लेकिन इन्होंने आपकी तब भी वो भी नहीं सुनी बात। दैट्स वाई इन पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है आपका, इनको लग रहा है इन्होंने अच्छा दोस्त भी खो दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ फिजिकली होना चाहते हैं। ये बिज़नेस जो है ना इनका, ये अनसॉल्व सिचुएशन रह गई थी जिसको पूरा करना इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं रोमांटिक। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एक्स और नेक्स्ट। वी हैव हर्मिट, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, इनकी अवेकनिंग चल रही है इस टाइम, और ये ढूंढ रहे हैं रास्ता कोई आप लोगों की लाइफ में वापस आने का। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कि ये ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान यूनिवर्स से किसी तरह की कोई हेल्प मांग रहा है, कि किसी तरह से यूनिवर्स को कोई ऐसा रास्ता दिखा दे कि ये इंसान आपसे बात कर सके, क्योंकि इस इंसान के हाथ में एक लांटर्न है, इसकी लाइफ इतनी डार्क हो चुकी है कि इसको पॉजिटिविटी की तरफ आना है, आपके पास आना है। हर्मिट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन अपने आप को लोनली फील कर रहा है। विरगो इनका स्टार साइन हो सकता है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है इनका, इनके लिए आपके लिए वी हैव पेज ऑफ वॉन्ट्स, बट आप इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, उनको लगता है आपकी लाइफ काफ़ी हैप्पी है, आप लोगों ने अपनी लाइफ को दोबारा से रिक्रिएट किया, जिसकी वजह से आप इनको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट्स वही आपको आपकी तरफ आने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, और होपफुली ये इंसान आपको मैसेज भी कर सकते हैं, और मैसेज करने का कोई ना कोई ये इंसान आपको सोर्स जो है ना वो इस टाइम फाइंड आउट कर रहा है, क्योंकि इनको लगता है शायद आपने, या तो हो सकता है आपने इन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, दैट्स वही आपको मैसेज करना चाहते हैं, और मैसेज करने का कोई इनको वे नज़र नहीं आ रहा, बट इनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुके हो। एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको खोना बिल्कुल भी नहीं गाइस चाहता, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी पोजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन जो इनकी ज़िद है, इनको पता है कि इनको अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी, आपके साथ आगे कनेक्शन बनाना है, वापस लौटना है, तो इनको अपनी ज़िद को, अपना इस ईगो को छोड़ना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, और आपको मैसेज करके आपसे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज ये इंसान आपको डेफिनेटली इस टाइम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और एक आपके साथ प्रोटेक्टेड कनेक्शन बनाना चाहते हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इनको पता है अगर ज़िद में बैठे रहेंगे, अपने एटीट्यूड में बैठे रहेंगे, ईगो में बैठे रहेंगे, तो कभी भी कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट नहीं हो पाएगा। एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड, बट आई थिंक आप लोगों को नहीं पता कि ये इंसान कब आपकी तरफ आएगा, या कैसे आपकी तरफ जो है अप्रोच करेगा, या क्या आपसे बात करेगा आके, यू गाइज आर टोटली लाइक अ ब्लाइंड फोल्ड, आपको कोई आइडिया नहीं है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की साइड से ये आपका जो एक्स है, इनको लग रहा है जैसे आपने अपने आप को इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सेबोटैज कर दिया, आपने हर चीज़ को, अपने इमोशंस को, अपने बढ़ते कदमों को इनकी तरफ से रोक लिया इनकी ज़िद की वजह से,
आप लोगों को इनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको आप देखना ही नहीं चाहते, आपने अपने आप को टोटली ब्लाइंड कर लिया इनकी साइड से। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। नंबर 4, नंबर 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव द एम्परर, 4 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है गाइस, बट विद द एम्परर ये कोई ना कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। ये पर्सन हाई पोजीशन में से हो सकता है, या फिर किसी तरह के भी इस पर्सन के पास अथॉरिटी हो सकती है, पावर हो सकती है, तो ये इंसान अपनी पावर का यूज़ करेगा, चाहे इस पर्सन को अपनी पावर का मिसयूज़ करना पड़े आप लोगों की तरफ अप्रोच करने के लिए, बट ये उस चीज़ को भी डेफिनेटली करेंगे, दे विल ट्राई। क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान या तो हाई अथॉरिटी में है या किसी तरह से कोई ऐसा हाई फिगर है ये इंसान, जिसका शायद ये पर्सन मिसयूज़ भी कर सकते हैं अपनी उस अथॉरिटी का, अपनी पावर का, आप लोगों के साथ दोबारा से ऑब्वियसली रिग्रेट जो हो रहा है उसको अपना रिजॉल्व करने के लिए, इस पछतावे से बाहर आने के लिए। बट अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, तो ये पर्सन ऑलरेडी फादर फिगर हो सकता है, जहाँ पे अपनी लाइफ में ये पर्सन स्टक हैं, वहाँ से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ये वहाँ पे एक एज अ प्रिजनर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है, ज़बरदस्ती वहाँ पे ना चाहते हुए भी इनको स्टे करना पड़ा है, बट ये निकलना चाहते हैं वहाँ से। तो फाइनली ये इंसान अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे और आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो इनको। एंड विद द थ्री ऑफ वांड्स दिस पर्सन इज़ वेटिंग, डिस्टेंस है आपके दरमियान, तो ये इंसान आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं रीच आउट करने का, फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ ही आगे प्लान करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, दैट्स व्हाई। यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड, इस पर्सन को पता है आप इनसे नाराज़ हो गाइस, क्योंकि ये इंसान जो है ना अपने आप को जो ये जीते हैं आपसे, ऑब्वियसली इनको पता है कि इन्होंने एक बैड वे यूज़ करके ही आप लोगों से अपने आप को विनर फील करवाया है। यस, 3 ऑफ कप्स, बट ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं एंड आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं ये इंसान। इनको पता है आप इस पर्सन से अनॉय हो, इस पर्सन से नाराज़ हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ डेफिनेटली आपको बुली किया है या आपको किसी तरह से इंटीमेट किया है। यस, हो सकता है इस इंसान ने अपनी पावर को यूज़ करते हुए तब भी आप लोगों को डराया धमकाया कि आप छोड़ दो इनको, पीछे हट जाओ इनसे, आप छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन इस इंसान ने आपको मजबूर किया, बट राइट नाउ डेफिनेटली ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं। 35, 33 एज इनकी आपकी हो सकती है, 34, 38, 39 कुछ लोगों की मुझे 40+ भी दिख रही है एज, इस पर्सन की हो सकता है 40+ है, आपकी 30+ है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरिस लियो सैजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, बट ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप नाराज़ हो आपको मनाना चाहता है ये पर्सन विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, मनाना चाहता है ये इंसान को, क्योंकि इनको पता है इन्होंने गलत किया आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कंपटीशन किया और अब रिग्रेट हो रहा है उस सब चीज़ का, क्योंकि इनको स्पार्क आप में दिख रहा है, दैट्स वाई। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।